दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस। डचेस का मतलब होता है रानी। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए बहुत फेमस थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में एक बंदा बोलता है और दूसरा बंदा उसकी बात सुनता है, लेकिन दूसरा बंदा कोई आवाज नहीं करता, चुपचाप उसकी बात सुनता है। वो सब आपको जब मैं पोयम पढ़ाऊंगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, माय लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मैंने आपको बताया। तो इस पोयम में एक ड्यूक है, ड्यूक बोले तो राजा, ड्यूक ऑफ फेरारा। अब इस ड्यूक के पास पड़ोसी राज्य का एक मैसेंजर आया है, पड़ोसी राज्य का जो राजा है उसका एक मैसेंजर आया है, ताकि इस जो ये जो राजा है जिसने मैसेंजर को भेजा है, इसकी डॉटर की शादी इस ड्यूक ऑफ फेरारा के साथ हो जाए। तो ये जो मैसेंजर है ये ड्यूक से बातचीत करता है, और बातचीत के दौरान ड्यूक ऑफ फेरारा इस मैसेंजर को ऊपर अपनी प्राइवेट गैलरी में ले जाता है, और वहां पे अपने कलेक्शन में जितनी भी चीजें हैं वो इस मैसेंजर को दिखाता है, और यहीं से ही हमारी पोयम माय लास्ट डचेस शुरू होती है। तो पोयम की शुरू की लाइनें हैं, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये मेरी लास्ट डचेस है जिसका पेंटेड पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट बोले तो तस्वीर, तुम्हें दीवार पर दिख रहा है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, लग रहा है जैसे वो जीती जागती हमारे सामने खड़ी हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, मैं कहता हूं ये कमाल की चीज है। पेंटिंग के लिए बोल रहा है। Now Fra Pandolf's hands worked busily a day. मैं कहता हूं ये कमाल की चीज है जिसे Fra Pandolf ने अपने हाथों से बनाया, और इसे बनाने में उसने एक पूरा दिन लिया। And there she stands. और ये पोर्ट्रेट पूरा है, सिर्फ क्लोजअप नहीं है, ये पोर्ट्रेट उस डचेस का पूरा पोर्ट्रेट है, ऊपर से नीचे, सर से पांव तक। दोस्तों, ये फ्रा पेंडोल्फ एक तपस्वी था, मतलब इस ड्यूक ने अपनी डचेस की पोर्ट्रेट जो है वो ऐसे आदमी से बनाई जो ठरकी नहीं था। विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, अब ड्यूक इस लिसनर को, इस मैसेंजर को बैठने के लिए बोल रहा है बड़ी विनम्रता से, लेकिन लग रहा है जैसे कमांड दे रहा हो। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन, मैंने फ्रा पेंडोल्फ को ये पेंटिंग बनाने को कहा। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, मतलब इस पिक्चर को देखकर ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि फ्रा पेंडोल्फ ने डचेस के फेस की ऐसे बारीक एक्सप्रेशंस, यानी डचेस के फेस के इतने बारीक एक्सप्रेशंस इस पेंटिंग में उतारे कैसे। आगे की लाइनें पढ़ता हूं। बट टू माय सेल्फ दे टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डर्स, मतलब तुम जैसा कोई भी स्ट्रेंजर मुझसे ये क्वेश्चन पूछना जरूर चाहेगा कि इतने बारीक एक्सप्रेशंस आए कहां से इस पिक्चर में, कैसे बनाए होंगे फ्रा पेंडोल्फ ने, लेकिन पूछ नहीं सकता क्योंकि हिम्मत ही नहीं है पूछने की। और एक बात और कही कि मेरे अलावा कोई भी इस पेंटिंग पर जो पर्दा है इसको हटा नहीं सकता, और मैंने ये पर्दा सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए हटाया है इस पेंटिंग से। आगे की लाइनों में, हाउ सच अ ग्लांस कम देयर So not the first are you to turn and ask thus. तो डचेस के गालों पर ये जो लाली आई है, ये आई कैसे, कहां से आई, तुम ऐसे पहले नहीं हो जो मुझसे ये सब पूछना चाहते हो। Sir, it was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek. ये पेंटिंग में जो डचेस के गालों पर लाली दिख रही है, ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं थी कि उसका हस्बैंड खड़ा हो इसलिए उसके गालों पर ये लाली आई हो, कि पेंटिंग बनवाते वक्त सामने हस्बैंड खड़ा हो इसलिए उसके गालों पर, डचेस के गालों पर लाली आ गई हो। आगे की लाइनों में बोलता है, परहैप्स
फ्रा पंडोल्फ चांस टू से, हो सकता है कि फ्रा पंडोल्फ ने पेंटिंग बनाते वक्त मेरी डचेस को कोई कॉम्प्लीमेंट दी हो, उसकी तारीफ की हो। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रेस्ट टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश द डाइज अलोंग हर थ्रॉट। मतलब हो सकता है कि फ्रा पंडोल्फ ने डचेस को कहा हो कि उसकी शॉल ने उसकी कलाई को कुछ ज्यादा ही ढक रखा है, या फिर डचेस के गले पर जो लाली आई है ये पेंट उसे पेंट नहीं कर सकता उस लाली को। सच स्टफ वॉज कॉर्टेसी शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। मतलब इस तरह के तुच्छ और छोटे कमेंट्स भी उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफी थे। कहने का मतलब वो तुच्छ कमेंट, मतलब छोटे कमेंट्स और एक क्लास कमेंट में फर्क भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं इतनी ही पोयम पढ़ाऊंगा, बाकी की अगली वीडियो में, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।